दश, ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। एक हवलदार जिसकी तीन जवान बेटियां होती हैं शादी के लायक, 1800 रुपए में क्या कर सकता है? क्राइम को रोकने के लिए उसके हाथ में क्या थमाते हैं? एक डंडा, AK-47 का वो सामना कैसे करेगा? सुबह जब वो ड्यूटी पर निकलता है घर से तो उसे यकीन नहीं होता कि शाम को वापस आएगा घर पे। वो ड्यूटी पर मर गया तो क्या कॉम्पेंसेशन देते हैं उसको, उसकी फैमिली को? 20,000, 25,000, 30,000। यश वो भी जीना चाहता है। हाँ तो अपना घर भरने के लिए घुस खाएगा, बेईमानी करेगा, ईमान बेचेगा। साला फोर्स ज्वाइन करते हुए मालूम नहीं था कितनी तनख्वाह मिलती है। जंगल का कानून है ये, गुंडों से बचना है तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस से बचना है तो गुंडों के पास जाओ, दोनों से बचना है तो पॉलिटिशियन के पास जाओ, क्योंकि इनकी लगाम उसके हाथों में जब जैसे मौका हो वैसे हाथ हिला देता है। तूने तो तीनों से दुश्मनी मोल ले ली है, एक भी घर खुला नहीं छोड़ा है। अरे कौन से घर की बात कर रहा है तू? साले मेरे घर में मुझे मुर्दा बनाना चाहते हैं। कौन से घर की बात कर रहा है तू? गुंडों के या मेरे करप्ट कलीग्स के या ये पॉलिटिशियन के जो साले दिन दहाड़े खून पीते और डकार तक नहीं लेते? तो सरता रहे यहाँ पर, पैर पर कुल्हाड़ी मारकर दौड़ने के सपने देखता है। मार मार। हाँ मैं मर जाऊंगा तो तेरा क्या जाएगा? तुझे ढोने वाला एक कंधा कम हो जाएगा और क्या होगा? लाखों मरता एक और। साला दुनियादारी के नाम पे मुझे बेईमानी सिखाता है, लॉयर बनता है, साला कानून पढ़ाए के नकल करके पास हुआ। जा जाके पढ़ CPC सेक्शन नंबर 299 and 300, पढ़ जाके राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 300। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जा तेरे उसूलों की। मैं जाना नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। हाँ हाँ मार डाल, लेकिन पहले जाके साइन कर, टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ 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 नीचे इधर साइन कर, कुत्ते की दुम है तू, 100 साल नली में रहेगी फिर भी सीधी नहीं होगी। जा। क्या साला इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तू? नोटों से तेरा मुंह भरता हूँ किस लिए? हो जाएगा, फिलहाल तो उसे मर्डर के केस में अंदर किया है ना। अंदर किया ना, अंदर ही रहना चाहिए, क्या समझा? इत्मीनान रखो सलीम शेख, अब वो बाहर की हवा में कभी सांस नहीं ले पाएगा। सर क्या हुआ रे? यशवंत के लॉयर ने बेल के लिए अप्लाई किया है, लगता है उसे बेल मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना मैं तेरा पेटी उतरवा देगा, याद रखना। Here are your papers, Mr. Vikram. Thank you, sir. विक्रम, जैसे ही वो आदमी गिरा इंस्पेक्टर जोशी आया, उसके पीछे पुलिस आई, मुझे लेके गई। जोशी ऊपर ही था, मैं जब गया वो आदमी जिंदा था, उसके बाद डेड डिक्लेयर किया गया। मैंने उसे नहीं मारा, ये साजिश है। अब क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, पर सजा नहीं होने दूंगा मैं। बकवास मत कर, मेहरबानी कर रहा है, सजा नहीं होने दूंगा। चलता हूं। खाना खा के जा। नहीं वो तैयारी करनी। अच्छा भाभी चल। क्या हुआ हा? अरे कुछ केस है ही नहीं, मैं छूट जाऊंगा। देखो अब तुम मामूली औरत नहीं हो, डिप्टी कलेक्टर हो, समझी? आदाब। हमारा नाम सलीम शेख है, नगर सेवक हूं। यहां जितने भी कलेक्टर आए हैं सबसे दोस्ती रही है हमारी, सोचा आपसे भी जान पहचान हो जाए। ठीक है, काम की बात कीजिए। काम की बातें तो होती रहेंगी मैडम, पहले आपसे अच्छी तरह से पहचान हो जाए तो फिर काम की बात कीजिए। अरे आप तो बुरा मान गई, चलिए काम की बात करते हैं। देखिए मैडम, मेरी एक फाइल आपके पास है, उसका नाम और नंबर है 7MVW1994। बस आप उस पर दस्तखत करके काले साहब के पास भिजवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। वो फाइल मैंने देखी है, उस साइट पर होटल बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। क्यों क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैडम सोचिए, अगर होटल बनेगा आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा मैडम, ड्रग्स के धंधे होंगे, स्मगलिंग का अड्डा बनेगा, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिलेगा, जुए के अड्डे चलेंगे, हजारों मछुआरों की रोजी रोटी जाएगी, टूरिज्म और फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे आप देशभक्ति साबित करोगे। सॉरी
आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे मैडम, मैं जिस सेवा की बात कर रहा हूँ वो तो आप भूल ही रही हैं, और ये भी भूल रही हैं कि डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनने में बरसों लग जाते हैं। लेकिन अगर सही साथ हो, सही हाथ हो, तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। पर मैडम, सही साथ और सही हाथ दोनों आपके सामने हैं, भरोसा रखिए, तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। अपने तन मन और धन का रंग कहीं और दिखाओ, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा अड्डा नहीं। नाउ गेट आउट। बहक रही हैं आप, लगता है इस कुर्सी का नशा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नाउ यू गेट आउट वरना बाहर फेंकवा दूंगी। चाहते हैं लेकिन फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। लगता है औरत की आवाज में यशवंत बोल रहा है। तो ये शौहर भी है, इन्होंने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि इनकी बेजा हरकतों से इनकी बीवी की रेपुटेशन को कितना धक्का पहुंच सकता है, उनके काम में कितनी अड़चने पैदा हो सकती हैं। अगर मेरी वजह से मेरी बीवी को कोई अड़चन पैदा होती है, उसकी रेपुटेशन को धक्का पहुंचता है, तो मैं अदालत के सामने अभी इसी वक्त उसे तलाक देता हूँ। मेरा जो वकील दोस्त है वो कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा। यशवंत, ऐसी बेहूदा बातें कर रहे हैं लोग, पागल हो गया। अरे यार, अरे बकवास करने का वक्त नहीं है, मुझे समझाने के बजाय यशवंत बस। ऑर्डर। एक्सक्यूज मी बस, इसमें उसका क्या कसूर है? अरे उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसके लिए परेशानी बन चुका हूं। बेड़ा डाला इसका, पागल हो गया तू। हम शादी किस लिए करते हैं? एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, बस बस, या एक दूसरे पर बोझ होने के लिए? दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू फॉर यू, दैट्स ऑल। कूल डाउन, दैट्स ऑल। आप लोग शांत रहिए। यस 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 योर ऑनर, यस आई एम सॉरी। तुम मेरी भलाई के लिए तलाक के पेपर अभी के अभी तैयार करो और मत बिगाड़ यशवंत। लेकिन क्या होती है शादी? क्या होती है शादी? ऑर्डर। क्या होती है शादी? यस योर ऑनर, यस। गहने, अच्छी साड़ियां, यशवंत ये जगह है वो बात, गाड़ी ये बात, आराम ये मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी, 23 घंटे 50 मिनट हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वो कुछ ऐसा काम करे कि मुझे गर्व हो उस पर, मैं कुछ ऐसा काम करके उसे अभिमान हो मुझ पर, राइट? ये अदालत, लेकिन उसे बड़ा बनना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। तलाक क्या चीज है यार? तलाक क्या? 10 वर्ष की कैद है, बामशक्कत की सजा देता हूँ। ये जगह है क्या वो बात करने के लिए? लेकिन मैं उसे प्यार करता हूँ, तो ले जाइए उसे। यस योर ऑनर, तू तलाक के पेपर तैयार कर बस। ये क्या कह दिया तुमने? मुझे छोड़ दिया, सबके सामने मुझे तलाक दे दिया, क्यों? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये जुदाई तो दुनिया को दिखाने के लिए है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी हरकतों की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन में कोई फर्क पड़ेगा। अपना काम करते रहना, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लड़ते रहना, ना तो मैं हारूंगा ना तो तुम हारोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये तलाक जैसी छोटी मोटी बातें हमें अलग नहीं कर सकती। जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लंबा गया साला, अब पता चलेगा बीवी भी आपसे गई। आओ साहब आओ, आपको इधर देखकर अपन बहुत खुश हुआ। अब हम सब एक हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान, अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं। यह है ना, ये इसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है। और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून है ये। अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो और उनके मतलब के लिए मैं तुम्हारा खून पीता हूं। ये फर्क है मुझ में और तुझ में। मौत के डर की वजह से तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, मैं आराम से सोता हूं। ये फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां का सर झुका हुआ होता है, मेरी वजह से मेरी मां का सर अगर कहीं होगी उसको पता चलेगा, आसमान को छुएगा। यह फर्क है तुझमें और मुझमें। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा, समझे? यह है फर्क। अरे आधा घंटा हो गया इस दफ्तर में, इतना इंतजार भूल गए क्या?
अरे साहब, क्या बात है मैडम? आधा घंटा हो गया, आपने बुलाया नहीं। देख रहे, मैं इनसे बात कर रही हूँ, आप बाहर बैठे, मैं बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा, हमें लगा आप हमें भूल गए। आपको कैसे भूल सकते हैं? हाँ तो बोलो। मैडम, मैं पिछले 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, लेकिन आज मालिक मकान घर नहीं खाली करने से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि उस जगह पे वो कोई कारखाना खोलना चाहता है जो गैर कानूनी है। मैंने इस बारे में कई बार अर्जी दे चुका हूँ, लेकिन आपका हेड क्लर्क 500 रुपया मांग रहा है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। 500 रुपये मांग रहा है? जी। चलो मेरे साथ। नमस्ते जी। नमस्ते। पापा हैं अंदर मीटिंग में। अरे कहाँ जा रहे हैं आप मैडम? आज आपने बहुत इंतजार करवाया। देखिए मैडम, अगर आप मेरे उस फाइल पर अपने सुंदर हाथ से दस्तखत कर दें तो। बदतमीज तो तुम थे ही, मगर बेशरम उससे ज्यादा। कितनी बार कहा है कि मैं साइन नहीं करूंगी, समझ में नहीं आता? काले साहब को मैं संभाल लूंगा और आपका परसेंटेज भी। राम राम भाई साहब। ये क्या है? काले साहब ने आपके लिए भेजा है। ओह नो! अरे आप, तुम्हारे पापा हैं? पापा आइए ना, पापा आइए। मिसेस लोहार, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की है। आप बिके तो बिके, आपने मेरी भी बोली लगा दी। शर्मानी चाहिए आपको। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ऐसे सीनियर से तो पालतू कुत्ता अच्छा है जो भूखा मर जाता लेकिन बाहर की रोटी पे मुंह नहीं मारता। और आप एक ऐसे आदमी की उंगलियों पर नाच रहे हैं जिसे सही जगह पे अंगूठा लगाने की तमीज नहीं। Shut up, you stupid woman. मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और आप कर ही क्या सकते रिश्वतखोरी के अलावा? यही सब करना था तो क्या जरूरत थी लिखने पढ़ने की, IAS बनने की? इसलिए कि संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है उसका सौदा कर सके आप? मेरे घर में मेरी बेइज्जती कर रही हो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छे और बुरे की तमीज है आपको? हजारों मछुआरों का घर तबाह करके आप अपना घर भरना चाहते हैं। ये कारपेट, टीवी, वीडियो, फर्नीचर, इंपोर्टेड गाड़ियां, आप इन्हें घर कहते हैं? देखिए देखिए इन बच्चों की तरफ, घर इनसे बनता है। आपको क्या लगता है आप इन्हें सुख पहुंचा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप, इन सब चीजों के बिना ये रह नहीं सकते जो आप अपना ईमान बेचकर इकट्ठा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? इन्हें अपाहिज करके आप क्यों अपने ही बच्चों से दुश्मनी कर रहे हैं? इनसे पूछे आप ये क्या चाहते हैं, ये बेईमानी, ऐशो आराम, या एक ईमानदार बाप? तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ अंदर। पापा,